हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मज़मून रियाजी के हिस्सा दुअम यानी आओ लंबाई में लंबाई कैसे नापते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि एक तख्ते को हमने पट्टी से और बालिश की मदद से नापा था, जिसकी लंबाई दो बालिश और दो पट्टियां थी। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा है दरवाज़ा, इस दरवाज़े को हमें नापना है। क्यों? क्योंकि हमें इस दरवाज़े पर एक फूलों की माला लगानी है, जिससे हमारा दरवाज़ा खूबसूरत लगे। अब उसके लिए हमें उसके नापने की ज़रूरत है। अब हम इसको कैसे नापेंगे? हम इसको नापेंगे धागे की मदद से, है ना, या रस्सी की मदद से, कि उसकी चौड़ाई कितनी है। अब उस दरवाज़े की जितनी चौड़ाई है, उससे हमें थोड़ा सा धागा ज़्यादा लेना है, ताकि वो बांधने में लगे, और इस तरह हम उसको नाप कर खूबसूरत माला बना सकते हैं। तो आपके घर में, आपके कमरे जमात में, आपके किसी भी फंक्शन में, अगर आपके घर को सजाना है, जिसके लिए आपको खिड़की दरवाज़ों पे हार लगाना है, तो उसके लिए पहले आप उसका नाप लेते हैं, किसी पट्टी की मदद से, किसी धागे की मदद से, या फिर आपको अंदाज़ होता है कि ये चार हाथ या पांच हाथ हो सकता है, जिसके बाद आप उतना बड़ा धागा लेते हैं और उतनी बड़ी माला बनाते हैं, जिसके ज़रिए वो माला आप वहाँ पे लगाते हैं और आपको खूबसूरत नज़र आता है। तो इस तरह किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें एक आला डिसाइड करना होता है कि इस आले से हम उस चीज़ को बना सकते हैं। जिस चीज़ से आप उस चीज़, उस दरवाज़े को, उस खिड़की को नापोगे, उसी से आप जो चीज़ बनाओगे, उससे आप उसको नापोगे, तभी वो सही बैठेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने लंबाई कैसे नापी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।